नमस्ते फैमिली, आज आए हैं हम अहमद अंकल जी को मिलने के लिए। इन्हें शुगर लो होने के कारण पैरालिसिस का अटैक आ गया और वो गले के पैरालिसिस का अटैक आया, जिसकी वजह से इनका पूरी तरीके से खाना पीना जो है वो बंद हो गया। 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे, गले की नसें सारी तरीके से सिकुड़ गई थी। इसके लिए डॉक्टरों ने नाक के अंदर नली लगाई गई है और उसके ज़रिए उन्हें लिक्विड वगैरह ये सारी चीज़ें पिलाई खिलाई जाती है। लेकिन जब कोई भी लिक्विड चीज़ खिलाने के बाद में उनको गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो चीज़ शरीर के अंदर जा नहीं पाती है और जो भी खाया पिया रहता है वो सारा बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से अंकल की सेहत भी बहुत ख़राब होती जा रही है। तो अंकल को किसी के जरिए मालूम पड़ा मॉम हेल्थ केयर के बारे में। अंकल पहले किस सिचुएशन में थे कि अपने नाक के अंदर नली लगाई हुई थी, खाना हजम नहीं हो रहा था, गले की जो अन्न नलिका जो थी उसके अंदर प्रॉब्लम थी और गले का पैरालिसिस की वजह से पहले खाना भी नहीं खा पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, ना उठ पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे। लेकिन अब अपना खुद का काम जो है वो खुद करना शुरू कर चुके हैं, नहीं तो पहले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पहले दिन उनका बेटा, वो सभी लोग घर के उनको पकड़ पकड़ कर लेकर आए थे, लेकिन आज अपने मॉम हेल्थ केयर में मॉम मेड की थेरेपी लेने के बाद आज वो पूरी तरीके से अपना स्वयं खुद का काम खुद करना शुरू कर चुके हैं। कैसा लग रहा है अंकल थेरेपी लेके? जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। Thank you.
नमस्ते, मेरा नाम अमोल है और आज हम भिवंडी के सेंटर में हमारे एक प्यारे से अंकल हैं जिनकी आज हम लोग मुलाकात ले रहे हैं, टेस्टमनी ले रहे हैं कि उन्हें क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम्स थी और हमारे मॉम हेल्थ केयर में आने के बाद में उन्हें क्या रिजल्ट मिला। तो नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? अंसार अहमद। अंसार अहमद जी, अहमद अंकल, आप जब मॉम हेल्थ केयर में आए तब उस समय आपकी क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम्स था आपको? गले से बिल्कुल पानी भी नहीं आ रहा। गले से बिल्कुल पानी भी नहीं जा रहा था। अच्छा, गले में पाइप लगा था, दवा खाने में भी एडमिट थे, आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला। कितने दिन तक आप एडमिट थे या कितने दिन से ये प्रॉब्लम थी? इलेक्शन जो था एमपी के इलेक्शन के समय जो है उसके दो दिन के बाद में ही आपको तकलीफ हो गई। तो क्या प्रॉब्लम हो गया कि जिससे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा? शुगर लो हो गया था। रात के समय शुगर लो हो गया, चक्कर सा आ रहा। अच्छा, दो महीने से हॉस्पिटल के अंदर जो है ट्रीटमेंट चली लेकिन कोई फर्क जो है नहीं आया। देखिए अंकल, तो रात के समय जो है इनका कहना है कि शुगर की अचानक लो होने के कारण जो है इनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली एडमिट होना पड़ा और एडमिट होने के बाद में दो महीने तक लगातार ट्रीटमेंट चली। और मैंने देखा इनको पहले दिन जब आए थे तो इनके मुंह में जो है, गले में जो है वो पाइप लगा हुआ था और इनका जो है खाना खाना या पानी पीना ये सारी चीजों में क्या होता था अंकल? अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं था, लिक्विड देना पड़ता था कभी कभी। मुंह से कुछ भी डालो, कुछ भी नहीं आता। अच्छा, मतलब मुंह में कुछ भी डाला जाए तो सारा चीज जो है बाहर आ जाता था। तो आपको ये मॉम हेल्थ केयर के बारे में कैसे मालूम पड़ा? हमारे फ्रेंड ने बताया था। अच्छा, आपकी मतलब गैसुद्दीन करके एक हमारे प्यारे से अंकल है जिनके घर में हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स है, तो उनके तरफ से उनकी बेटी ने जो है इनको बताया कि आप मॉम हेल्थ केयर में जाओ, वहाँ पे आपकी सेहत जो है काफी अच्छी हो जाएगी। तो अंकल, आप मॉम हेल्थ केयर में हमारे मॉम मैट की थेरेपी लेना जब से शुरू किया जी, तो कैसा लगना आपको शुरू हो गया? अच्छा लगना, बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। खुल भी गया, अंकल जी को जो है कुछ ही दिन की मॉम मैट की थेरेपी के बाद में अंकल को अभी कहना है कि गले में दाल वगैरह सारी चीजें होती, मतलब अभी खाना पीना सारा जा रहा है, दूध वगैरह भी जा रहा है। 8-9 दिन हो गया। 8-9 दिन में ही इनको ये मॉम मैट के जरिए क्या मिला है, रिजल्ट मिला है। पहले मतलब ये नहीं जा पा रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल खतरा नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, पहले दिन जब मैंने अंकल को देखा था तो उनकी ये गाल जो थे, चेहरा जो था एकदम अंदर गया हुआ था और अब मैं देख रहा हूँ कि अंकल के चेहरे के ऊपर वो रौनक आ गई है, अंकल के गाल भी भर गए हैं और अब खाना पीना भी जा रहा है और उनके अंदर एक एनर्जी भी आ रही है। अंकल, पहले इनकी आप जब लेकर आए तब कैसी सिचुएशन थी चलने फिरने की और अब कैसी है? हम तो खुद से चल लेते हैं, पहले तो सपोर्ट देना पड़ता था। अच्छा, मतलब अभी खुद वो चल पा रहे हैं, नहीं तो पहले आपको खुद को सपोर्ट देना पड़ता था। नमाज पढ़ने भी जाता हूँ, अकेले नमाज पढ़ने भी जाता, अकेले अभी नमाज वगैरह पढ़ने भी जा रहे हैं, लेकिन जो चीज पहले नहीं हो पा रही। अच्छा, तो मॉम कैसे लग रही है? अच्छी लगी। अच्छा, इस मैट के जरिए मतलब आपके अंदर इतना अच्छा बदलाव मिला हुआ है, तो आपको जो लोग देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे थेरेपी लीजिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने हॉस्पिटल में 2 महीना एडमिट है तो वहाँ पे आपने बहुत सारा पैसा भी क्या किया हुआ, बहुत सारा पैसा खर्चा किया हुआ, फिर मॉम हेल्थ केयर में आपने कितना पैसा खर्चा किया? यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या हो गई?
फ्री में हो गए, मतलब हॉस्पिटल में हमने कई सारा पैसा खर्चा किया लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुई वो उनकी कैसी हो गई, फ्री में हो गई और फ्री ऑफ कॉस्ट में इनकी सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सही हो गई। तो अंकल जी हॉस्पिटल अच्छा है कि मॉम हेल्थ केयर अच्छा है? अच्छा है। क्या अच्छा है? मॉम हेल्थ केयर अच्छा है। अच्छा दवा गोलियां खाना अच्छा है कि मॉम मेड अच्छी है? ये अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छा देखिए अंकल का कहना है कि हॉस्पिटल से बेटर जो है वो मॉम हेल्थ केयर है और दवा गोलियों से भी अच्छा है मॉम मैट है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को मैं यही चीज दिखाना चाहता था कि हमारे मॉम मैट के जरिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सही हो सकती है जो प्रॉब्लम पिछले कई सालों से लोग यहाँ वहां दवा गोली हॉस्पिटल दवा इंजेक्शन लेकर कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कहीं पे ठीक नहीं होती है, वो प्रॉब्लम आज हमारे मॉम हेल्थ केयर में हमारे मॉम मैट के जरिए ठीक हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों से दरखास्त करूंगा कि आपके आसपास में जो भी लोग किसी भी प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं तो आप जरूर उन्हें मॉम हेल्थ केयर की राह दीजिए और यहाँ पे आने के बाद में हर एक प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे ठीक होना शुरू हो जा रही है। तो थैंक यू सो मच।